बहुत नजदीक भीलवाड़ा के, यहाँ करीब 100 किलोमीटर दूर भीम एक जगह है और वहाँ गांव में हम 87 से काम कर रहे हैं। मैं, अरुणा रॉय, निखिल डे, हम तीन लोग वहाँ पहुँचे थे। सोच यही था कि गरीबों के साथ बात करेंगे कि क्या है उनके हक जो सरकार तक उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं। जब हम पहली बार गांव में गए तो उन्होंने उल्टा हमसे सवाल किया कि ये जो आप गरीबों के बारे में चिंता करते हैं इसके लिए आपको क्या मिलता है। तो हमारे मन में एक द्वंद था कि यहाँ इनका सवाल वाजिब है कि आपको क्या तनख्वाह मिलती है इस बात के लिए कि आप हमसे बात कर रहे हो। तो हमने कहा न्यूनतम मजदूरी मिलती है। उस समय न्यूनतम मजदूरी 14 रुपये रोज थी। तो अच्छा, रोज मिलता है? मैंने कहा हाँ रोज मिलता है। पूरे साल मिलता है? मैंने कहा हाँ पूरे साल मिलता है। तो हमारी दिक्कत यह है कि हमको पूरे साल न्यूनतम मजदूरी तो कभी मिलती नहीं, पूरे साल तो है ही नहीं। तो हमारी चिंता यह है कि न्यूनतम मजदूरी मिले हमें भी तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपके साथ हम भी बात करेंगे, संघर्ष करेंगे, कुछ चलेंगे। तो एक चला सिलसिला। पहली बार जाके सरकार से पूछा, इकट्ठे होके पूछा, क्योंकि सरकार जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह नहीं है, ऊपर पूछती, अपने से ऊपर वाले अधिकारी को पूछती रहती है कि उनका जवाब भी वही देना, ऊपर नीचे का कुछ मतलब नहीं। तो पूछा क्यों नहीं दे रहे हो आप पूरी मजदूरी? अरे साहब ये काम चोर है, ये काम नहीं करते। तो उनके ये जो काम नहीं करते कहां लिखते हो आप? तो उनका हमारे पास एमडी है ना, मेजरमेंट बुक, उसमें लिखते हैं। तो उनका और क्या हिसाब हुआ? और मस्टर है उनका, अटेंडेंस रजिस्टर है। तो उन्होंने कहा वो एमडी हमको दिखाओ। तो वो कैसे दिखा सकते हैं, वो तो सरकारी रिकॉर्ड है। मगर मस्टर को मस्टर नहीं दिखा सकते, ये बिल है। तो मैंने कहा जिसमें उस मजदूर ने काम किया उसका मस्टर आपने दिखाओगे, उसकी एमडी आपने दिखाओगे, तो ये कहां की बात है? तो वो नहीं दिखा सकते। तो हम धरने पर बैठे। और इसीलिए जो बताया था कि ये एक संगठन है, एनजीओ नहीं है, हम प्रोजेक्ट नहीं लेते हैं, ना विदेश से लेते, ना देश से लेते, ना सरकार से लेते, लोगों के छोटे छोटे चंदे से हम अपना चलाते हैं। और सारे साथी संगठन में जितने 19-20 फुल टाइम कार्य करते हैं सभी मिनिमम वेज ही लेते हैं, पहले भी मिनिमम वेज ले रहे थे, आज भी मिनिमम वेज ले रहे हैं। तो वहीं से ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी। और जब सरकार से पूछा कि आप क्यों नहीं बताते हो, तो उन्होंने कहा नहीं बताएंगे, हम धरने पर बैठे। और धरने में बैठे वो लोग जो गांव के गरीब लोग, अनपढ़ लोग, जो जिनका मजदूरी से लेना देना है। और जो पहला सवाल पूछा कि हमको वो रिकॉर्ड दिखाओ, मजदूरी के बजाय हटके का रिकॉर्ड दिखाओ, तो कलेक्टर के पास खबर गई क्या हुआ, कुछ लोग बैठे हैं धरने पे, क्यों बैठे हैं, कि ये मांग रहे हैं। अरे दिखा दो यार, काहे को झंझट कर जाओ। तो लिटरली ऐसे ही दिखाया जैसे मैं कोई कागज खोल के दिखा दूं, लो देख लो आप, और वापस बंद कर दे। तुमको ऐसे नहीं, इसकी फोटो कॉपी दो। ये फोटो कॉपी नहीं दे सकते। वापस कलेक्टर साहब को पूछा, सब चीजें अलग है, जिद पे अड़ गए, फोटो कॉपी लेंगे। कलेक्टर ने कहा यार फोटो कॉपी के लिए पूछना पड़ेगा ऊपर ऊपर मुख्य सचिव को, कि साहब ऐसे भीम में धरने में बैठे हैं, बिहार में धरने में बैठे हैं, वो करेंगे फोटो कॉपी लेंगे। तुम कहा फोटो कॉपी नहीं दे सकते। और उनको बोला ऐसा कानून नहीं है। तब हमने कहा ऐसा कानून नहीं है तो कानून बनाओ। और वहां से उन गरीब मजदूर किसानों ने एक आवाज उठाई, सूचना का अधिकार, कि हमको केवल ये दिखाओ कि हमारे नाम से जो भी आप कागज तैयार करते हो वो हमको देखने का हक क्यों नहीं है। और आप अंदाज लगा सकते हैं कि कोई राज सत्ता या कोई भी, आज राजाओं का राज नहीं है, अगर कोई ये तय करे कि हम बताएंगे नहीं, अपने कागज जो भी तैयार करेंगे आपके लिए नहीं है, हम अपने लिए हैं, तो फिर वो कुछ भी तैयार कर सकते हैं, कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, कुछ भी अपने लिए ही तैयार कर सकते हैं। तो वहां ये पहला धरना चालू हुआ। और सरकार को लगा कि बहुत दिक्कत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो, इनको बोलो हाथ से नोट कर ले, क्या बहुत झंझट है इतना। तो पहली बार हमने हाथ से नोट किया मस्टूल, और वो ले जाके गांव में जब पढ़ के सुनाए तो कहानी दूसरी निकली, कि जो मस्टूल में नाम लिखे हुए हैं उनका काम से कोई लेना देना ही नहीं, या तो वो मर गए या वो गाँव में ही नहीं रहते। तो जब हमने सरकार को ये बताया कि ये आपके कागज झूठ बोल रहे हैं आप, जो सरकार, और सरकार हमेशा कागजों पर चलती है क्योंकि उनको लगता है कागज ठीक है तो बाकी सब ठीक है, उनको ये चिंता नहीं है कि वहां धरातल पे क्या है, तो कागजों को ही अपना आधार बनाती है। तो हमने कहा कागज आपके झूठ बोल रहे हैं और हकीकत कुछ दूसरी है। तब ये नारा दिया गया कि सूचना का अधिकार मिलना चाहिए, और हम ब्यावर में चांगे पे बैठे धरने पे, और एक नारा दिया कि लेके रहेंगे हम इस बार सूचना का अधिकार, और एक धरना चालू किया। उसमें खूब सारी महिलाएं गांव से गई,
तो अरुणा जी के साथ वो महिला बैठे लोग कहते थे घाघरा पलटन कहां से आ गई है और ये घाघरा पलटन क्या कर लेगी, मतलब ये तो जुआ तक लगता था बिहार में कि यार ये कुछ नहीं मिलने वाला, आपने सरकार का कलेजा मांगा है। एक हमारी सुशीला बहन है, उसको प्रेस वालों ने पूछा, बड़ी कोई मीटिंग चल रही थी, उसमें पूछा तुम क्या समझते हो सूचना का अधिकार, तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो। तो उसने कहा मैं 10 रुपये दे के मेरे बेटे को बाजार बेचती हूँ, तो उससे वापस आते तो पूछती हूँ कि इनमें से बाकी बचे हुए पैसे कहाँ हैं, तो ये सरकार मेरे नाम से करोड़ों रुपये खर्च करती है, तो क्या मैं ये नहीं पूछ सकती कि वो पैसे का क्या हिसाब है। तो एक स्लोगन दिया था, हमारा पैसा हमारा हिसाब, वो सुशीला ने उस समय कहा था। मोहन बा ने कहा था कि बहन जी जत्रे आपने कागज नहीं मांगा, जत्रे तो आप झूठा ही पड़ा, मतलब हम हमेशा झूठे रहेंगे और सरकार हमेशा सच रहेगी, कागज देखना बहुत जरूरी है। उस समय खूब सारे गीत नारे नाटक ऐसी चीजें भी बनी, तो एक छोटा सा गीत उस समय का मैं आपको आपके सामने सुनाऊंगा कि वो गीत में क्या कह रहे हैं वो मजदूर और किसान, तो अगर आप साथ दे सके तो बहुत अच्छा। मैं कुछ चीजों का नाम बोल लूंगा, आपको बोलना मैं नहीं मांगा, मतलब हमको ये सब नहीं चाहिए, कुछ और चीज चाहिए। अरे सोना चांदी मैं नहीं मांगा, अरे सोना चांदी मैं लंबा हुआ, अरे मोटे कमरे बंगला में गाड़ी, छोटा सा शब्द मैं नहीं मांगा। अगर आप जुड़ जाएंगे हो सकता है आपके मन में ये सब चीजें हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आज यहाँ के लिए अगर गा सकते हैं तो मेरा गाना पूरा हो जाएगा, कुछ बात निकलेगी इसमें से। मैं नहीं मांगा, अरे मोटो बंगलो बंगला में गाड़ी, गाड़ी में कुत्तो कुत्ता के पट्टो पट्टा के साकर, अरे मोटो बंगलो बंगला में बरामदो बरामदे में गमलो गमला में बेलड़ी मारुती गाड़ी कंटेसा कार, अरे हीरो होंडा, अरे टीवी कूलर। आपका दिमाग ठीक है क्या? अरे अरे मैं समझ गया यार भाई, खाने की बात है ना, अरे डिस्टर्ब कर रहे हो आप, पहले बताइए तो ना यार लफड़ा खत्म हो जाता। मैं बताऊं आपको क्या चाहिए, आपको जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट मुर्ग मसाला उबलोड़ा अंडा, अरे अंकल चिप्स दाल फ्राई पालक पनीर मलाई कोफ्ता, अरे गरम जलेबी, अरे ऊना भजिया, अरे मर्ची बड़ो, अरे कोफ्ते, अरे कचौड़ी कचौड़ी मखाटो। अब आपका दिमाग सड़ गया, इतनी जरूरी चीजें बता रहे हो आप, करो मैं नहीं मांगा। आपका दिमाग सड़ गया, लोगों को तो पीने का पानी नहीं है। ओ मामला पीने का है क्या, भिलवाड़ा में रहते हो, 8 बजे से पहले धाप के पियो, आपको कोई मना करता है क्या? पेप्सी कोला कोका कोला कैंपा कोला लिमका सिमका मैंगो फ्रूटी अरे बिस्लेरी बियर की बोतल दारू की थैली, इसके अलावा कुछ नहीं। इतनी जरूरी चीजें बता रहा हूं, दुनिया इसके बिना चलती नहीं, आप करो मैंने मांगा धरना लगा रही हो यहां, आपकी समस्या क्या है यार वो बताओ ना। लोगों के पास काम नहीं है। अरे तो काम तो सरकार का अकाल राज चलता, जाओ ना उसपे, नहीं है रोजगार, पूरा पैसा नहीं देते क्या? तो कागज देखो, कागज नहीं दिखाते। ये 20 साल पहले की बात है साथियों, उस समय लोगों ने कहा कागज देखेंगे, आप कागज बताओ, और इन गीतों के माध्यम से यही बात कहते रहे कि हम कागज देखेंगे, वो कागज में क्या लिखा है, और वो कागज की मांग आगे बढ़ती गई, और अंत में ये गाना यहां खत्म होता है मैं मांगा। और मुझे लग रहा है इसमें आप सब जुड़ेंगे, पहले वाले में साहब संकोच था लेकिन इसमें संकोच है नहीं, क्योंकि यह आपकी और हमारे सबकी जरूरत है। अरे रोजी रोटी मैं मांगा, रोजी रोटी पूरी मजदूरी स्कूल में पढ़ाई अस्पताल में दवाई पंचायत को खर्चो और लेखो जोखो मस्टोड़े की नकला ए बिल वाउचर अगर फोटो कॉपी राशन को खर्चो जंगल को खर्चो खर्चा को हिसाब सूचना को अधिकार। ये गीत और ये नारे चलते रहे और सरकार को झुकना पड़ा, और इसी इलाके के ये लोग जो आपके भीलवाड़ा के भी हैं, मांडल ब्लॉक के गांव के लोग, अजमेर के गांव के लोग, पाली अजमेर भीलवाड़ा, ये जो बीम के आसपास रेडियस में एक इलाका पड़ता है, यहाँ के लोगों ने ये मांग उठाई, सरकार झुकी, सूचना का अधिकार कानून पास हुआ। आज मैं यही बात कह रहा हूं कि आज टेड भीलवाड़ा अगर ये यहाँ के
बात से पूरी दुनिया में एक बात जाती है, तो ये भी या इसी इलाके के लोगों ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि ऐसा कानून पास हो। सरकार की इच्छा नहीं थी लेकिन करना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि नहीं बताना और भी बुरा है, कि आप सरकार क्या करती है बताओ तो सही। तो कानून पास हुआ। टेस्ट केस, पहला केस मैं आपको बताता हूं, उसको हम टेस्ट करने के लिए गांव में घुसे, एक पंचायत का रिकॉर्ड लिया, आसानी से नहीं मिला, कानून बन गया लेकिन फिर भी आसानी से नहीं मिला। और मिला जब गांव में वेरीफाई करने लगा तो हमें लगा बहुत गड़बड़ है, जो कागज में है वो धरातल पर नहीं है, तो क्या करें। तो पहली जनसुनवाई की, ऐसी 13 जनसुनवाई सीरीज में हम कर चुके हैं, और जब उस जनसुनवाई में ये बात उठी कि इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला है, पैसा ही पैसा खाया गया, कागज तैयार हो रहे हैं, वह चीज है नहीं मौके पर, तो सरकार से मांग की जांच करो। तो एक बड़ी जांच आई, जयपुर से एक टीम आई, एक ईमानदार अफसर को ढूंढने में 3 दिन लग गए। हमने कहा कोई ईमानदार, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई ईमानदार आप ही बताओ किसको ले इस टीम में, तो उसको 3 दिन लगे हमें कि एक को बताओ। वो अधिकारी आए और जाके जांच की, तो उनका कागज से मिलान करेंगे कि धरातल पे क्या है। तो एक अमरत्या गांव के पास एक एनिकट है, चेक डैम बना है 9 लाख रुपए का, तो सॉरी 3 लाख रुपए का, वहां गई नाप चुप के, इतना लंबा चौड़ा सब ठीक है चलो। फिर गांव वालों ने कहा साहब, गांव वालों को पूछा और कहा है यहाँ, कि साहब आजादी के बाद हमारी यहाँ तो एक ही बना, तो रिकॉर्ड में 3 है, तो 3 है कहाँ, तो साहब यहाँ तो नहीं है। तो उन्होंने कहा इसको बुलाओ जिस जेएन ने एमडी भरी, उस जेएन को जब बुलाया कोई और ट्रांसफर हो गया, 3 दिन बाद वो आया, लाया उसी जगह लेकिन दूसरे रास्ते से लाया, जिस रास्ते से हम गए थे उस रास्ते नहीं, दूसरे रास्ते से आया, भाया भाई। उस अधिकारी ने कहा यार यहाँ तो हम 3 दिन पहले आके गए, उनके साहब हम इधर से आए और जेएन साहब इधर से लाए, उनका आप ही बना खास साहब, तो तुम इधर से क्यों लाए, कि वो सरपंच ने यही रास्ता बताया था मुझे। तीसरा एनिकट ढूंढने के लिए तीसरा जेएन आया और वो तीसरे रास्ते से लाया, लाया वही। एनिकट एक ही है, बुकिंग 3 जगह कर रहे हो, बिल्डिंग एक बना रहे हो, 3-3 जगह बुकिंग कर रहे हो, वही बिल्डिंग है, उसी को कह रहे हो कि ये स्वास्थ्य केंद्र है, उसी को कह रहे हो कि ये पशु चिकित्सालय है, उसी को कह रहे हो कि ये ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है। तो जब कागज मिलान करने लगे, उस बिल्डिंग का पूरा देखने लगे, तो 3 बिल्डिंग उनको बतानी है, जांच चल रही है। तो उन्होंने बरामदे में एक ईंट की दीवार करके 2 कमरे इधर 3 कमरे इधर और एक और तीसरा काम बताया, तो छत के ऊपर एक मकान बनाने लग गए फटाफट। और जब बन रहा था तो हमने कहा ये क्या हुआ कि ये पुराने वाले सरपंच साहब बना रहे हैं। अगले दिन जाके देखा तो उस पर बोर्ड लगा हुआ था पशु चिकित्सालय छत के ऊपर। तो हमारे एक साथी ने कह दिया कि जानवर ऊपर जाएंगे कैसे, तो उसने सरपंच को कहा कि साहब ये तो वो एमकेएसएस की टोली आई उसमें से उन्होंने कहा जानवर ऊपर कैसे जाएंगे, तो उन्होंने वो बोर्ड नीचे लगा दिया, नीचे वाला ऊपर लगा दिया। आप सोच सकते हैं कि किस किस्म से कागजों में ये सब कहानियां की जा सकती है। एक कनीराम बाबा है काबरा के, बहुत गरीब है, दोनों पति पत्नी है, बच्चे नहीं है, उनके घर की कहानी 3 बकरियां उसे अपना जिंदगी चलाते हैं, अन्नपूर्णा का गेहूं मिलता है। ये लॉन्च हो रहा था सूचना का अधिकार कानून बन गया, तो वो वहां खड़े थे अपना अन्नपूर्णा का राशन कार्ड लेके, यार वो जो चश्मे वाला भाषण दे रहा है उसको जाकर बताओ मेरे को राशन नहीं मिल रहा है। तो मुझे आके बताया भाई साहब मेरे को राशन नहीं मिलता है। मैंने कहा बाबा कब से नहीं मिल रहा है, कि मैं पहली बार गया तो उसने कहा कि आया नहीं है, दूसरी बार गया तो अब आएगा जब देंगे, तीसरी बार गया तो तेरा बंद हो गया और उसके बाद मेरे को मिला ही नहीं। सवाल पूछा उस दिन, इस बाबे को राशन इसका गेहूं कहां गया वो नहीं पूछा, वो कितना अन्नपूर्णा का गेहूं आया उसका स्टॉक रजिस्टर की फोटोकॉपी दो और उसका वितरण रजिस्टर की फोटोकॉपी दो। ये अर्जी गई, एसडीएम ने उस डीलर के पास भेजा, शाम को रात को 11 बजे वो डीलर एक साइकिल लेके पूरी गेहूं की बोरी उसके अंदर फंसा के रात को 11 बजे जाके कनीराम बाबा का घर, बाबा 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 के क्या हुआ, सरकार ने गेहूं भेज दी कि रात को 11 बजे, माने नहीं। एसडीएम साहब ने कहा, एसडीएम साहब ने कहा कि देख आओ तुम, मैं आ गया हूं और ये गेहूं की बोरी तुम्हारी पूरे साल की ये पूरा दे दिया है, 11 महीने का इकट्ठा किया। अब तुम ये काम करना, जो तो अर्जी थी ना वो कागज मत लेना। तो उस जगह वो तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो जो लोग थे उनके पास बात करनी पड़ेगी। वो बाबा अगले दिन आया, मेरे को गेहूं मिल गए, मैं कैसे रात को देखे गया 11 बजे। उसने कहा वो अर्जी मत लेना। मैंने कहा बाबा अर्जी तो लेना है ना, उसके बिना तो कैसे चलेगा। उसने कहा कि बाबा वो अर्जी तो चाहिए, उनकी पेंशन नहीं थी, उसने पेंशन करवाई 15 दिन में, फिर कहा अर्जी वो कागज मत लेना।
उनका कागज तो लेना बाबा, उसको कहो तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, कागज बता तो सही यार, कागज निकले तो क्या था कागज में। उस कन्याराम बाबा के 10 किलो गेहूं हर महीने आ रहे हैं, हर महीने वो दे रहा है कन्याराम बाबा को। तो ये गरीब से गरीब को किस तरह से ये अंदर खाते हैं, इस किस्म की कहानी। सूचना का अधिकार ने जो कानून दिया उसने देश के हर वर्ग को ताकत दी, गरीब को ताकत दिया, कॉलेज के बच्चों को ताकत दिया, पढ़े लिखे लोगों को ताकत दिया, हर वर्ग में इसको एक एक औजार मिला कि हम कैसे इसको चला सकते हैं। हम तो वोट देते हैं एक से बार, 5 साल तो अपने पास कुछ रहता नहीं, लेकिन ये एक औजार है जो आपको 5 साल चलाता है। हम गांव में कहते भी हैं, लोगों को कहते हैं कि देखो, कई बार हम बदलाव की बात करते हैं। तो एक राजा ने एक चोर को सजा दी, क्या दिया, या तो तू 100 जूते खा या 100 प्याज खा। उसको लगा यार जूते कौन खा, प्याज खा लेंगे, खाने की चीज। तो उसने उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा, उसे शर्त थी कि 100 प्याज खाएगा, 20 में रुकेगा नहीं, लगातार खाना है। 10-20 प्याज के बाद वो चिल्लाया, नाक में से पानी, जीभ लाल हो गई, आंखों में से पानी। उसने कहा साहब मैं नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल है, जूते खा लूंगा। तो उसके जूते पड़ने लगे, जूते में वही शर्त थी 100 लगातार पड़ेंगे। वो 100 जूते जब सिर में पड़ने लगे, 10-20 जूते के बाद उसकी खोपड़ी ऐसी हो गई पीपली, और उसने कहा साहब अब तो मर जाऊंगा, मैं जूते नहीं खा सकता। तब तक मुंह को थोड़ा रेस्ट मिल गया, उसको लगा मैं प्याज खा सकता हूँ, क्योंकि वो फिर उसने वापस प्याज खाना चालू किया, वही स्थिति दोहराई। फिर उसने सिर पे हाथ रखा, उसने कहा जूते खा सकता हूँ साहब, प्याज नहीं खा सकता। एक बार वो प्याज खाता है, एक बार वो जूते खाता है, उसके हाथ में कुछ है नहीं, और वही खाते रोटेशन चलता है। तो आज उसके हाथ में एक सूचना का अधिकार है, ये कानून है। किसी साथी ने कहा बहुत बड़े उसमें, कहा ये ब्लैकमेल करने का औजार दे दिया आपने, कि ये तो ब्लैकमेल करता है। कैसे, कह रहे नहीं सूचना का अधिकार को काम लेना बहुत ब्लैकमेल होता है। तो उसकी एक छोटी सी कहानी में आपको, ये मेरी अपनी कहानियां नहीं है, ये सारी कहानियां गांव में प्रचलित है। तो कहानी क्या है कि एक सेठ और एक राजपूत, अकाल का टाइम था, दोनों चले गए बॉम्बे, जाके मुसीबत का टाइम था कैसे निकालें। तो सेठ जी को कुछ काम नहीं मिला, तो फुटपाथ पे बैठ के पॉलिश करने लगे जूतों की। ठाकुर ने कहा क्या कर रहे हो तुम, यार पॉलिश करने लगे। तो उसने सेठ ने कहा अटकुन देखे आवे जो छुक, टाइम पास है, निकल जाई। 3 महीने बाद वापस जब घर आने लगे, तो रास्ते में उस सेठ ने गलती से उस राजपूत को कह दिया, गांव में काई काम चर्चा करो कि मैं बेटे जूता के पॉलिश कर रहा, अपना टाइम पास करियो, निकल गया मुसीबत का टाइम। उसको लगा यार इस बात से इसको दिक्कत है। सेठ जी ने किराने की दुकान खोली, अब ठाकुर साहब आवे सामान ले जाए, पैसा दे ही नहीं, वो पैसे देने की बात आवे जब होगा वो बंबई वाली बात। उसने कहा कहीं नहीं, दूसरी बार फिर ली जाए सामान देने की बात आ रहा, वो बम्बई रहना दो, कोई नहीं मत दीजिए। उसके बेटे ने कहा कि क्या बात है, ये सेठ ठाकुर साहब आते हैं और सामान ले जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। एक बात है बेटा अंकल ने, कहीं बात है कि एक बात अंकल ने है आपने कि बात बताओ ना क्या हुआ कि मैं फुटपाथ पे बैठ के बॉम्बे में पॉलिश करके अपना टाइम पास किया बेटा, इसको पता है, और वो मुसीबत का टाइम था। अब क्या वो आया ना तो मैं बैठूंगा, आप तो अंदर चले जाना। ठाकुर साहब को आता हुआ देख के लड़का दुकान पे बैठ गया, सेठ जी अंदर। ठाकुर साहब ने कहा तेरा भाई जी कटे है, कि भाई जी तो आज गांव गए हैं। बोलो साहब तुम्हारा सामान चाहिए, कि सामान तो ले पधारो लेकिन पुराना हिसाब तो कर जाओ, डाई डेट 3,000 रुपये बाकी हो गया आपके। मारो बाप ना घनी मुश्किल हो, फुटपाथ पर बैठ जूता के पॉलिश कर पैसा कमाया, फुकट में नहीं आवे। क्या था यार, यही तो बात थी भाई, ये बात थी जिससे तू छता रहा था, ये सबको खुलवाने में यार क्या लफड़ा है। तो ब्लैकमेल के पीछे भी यही बात है कि यार आप बता दो ना सबको कहां दिक्कत है। आज सरकार का हर कर्मचारी क्यों नहीं देता, क्या बात है। कोई सूचना कर दी लगाओ, टालता रहता, आयोग में जाओ, यहां से जाओ, वहां से जाओ, जवाब बताए, 3 कॉपी भेजो, वापस जवाब बताए, ये लाइन ठीक नहीं थी, अरे क्या बात हुई। और वो टालते रहने में मैं खूब सारी कहानियों को यूज करता हूं, क्योंकि इनसे गांव में लोगों को बात बहुत आसानी समझ में आती है। टालने में एक कहानी, क्या टक कहानी, कि एक सेठ जी करोड़पति सेठ को किसी ने पूछ लिया कि सेठ जी कटे सो। सेठ को लगा यार ये क्यों जानना चाह रहा है मैं कहां सोता हूं, मेरे करोड़ों की दौलत है। तो सेठ जी ने जवाब दिया, लेकिन जवाब ऐसा दिया, सो जावा घरे, सो जावा दुकान, सो जावा नौरे, सो जाओ बारे, सो जाओ मैं, और सोए तो सोए, मैं तो सोए नहीं, अपने क्या है।
अगर ऐसा कोई जवाब मिल जाए तो आप ले लो उसे सूचना कि वो पूरी परफेक्ट चीज बताई गई नहीं। तो मैं यही बात कह के अपनी बात यहां समाप्त करूंगा, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस किस्म की ये जो चीजें जो गांव से यहां से जो निकली है, ये उन मजदूरों और किसानों ने देश को दिया है और दुनिया को भी एक रास्ता दिया है। और यहाँ के जो बच्चों ने जो इन्होंने मुझे खूब सिखाया, क्योंकि ये हर्ष ने बार बार फोन करके कहा आपको आना है, बताना है अपने अनुभव को। ये स्कूल के बच्चे, इनकी उम्र में मैं जब पढ़ता था तो मुझे तो समझ ही नहीं थी, 11 साल की उम्र में इतनी छोटी उम्र में ये ऐसी बातों को समझ के ये सब कर रहे हैं। हमें तो मार साहब ने कभी पढ़ाया ही नहीं ढंग से, हमें तो केवल रटाया, समझाया नहीं आज तक। अंग्रेजी को भी रटाया, गणित को भी रटाया, भूगोल को भी रटाया, और इसीलिए वो पढ़ाई हमारी कभी काम ही नहीं आई। मुझे आज तक याद है वो अंग्रेजी की अर्जी जो मार साहब ने कहा कि परीक्षा का टाइम है याद कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, रेस्पेक्टफुली आई बैक टू सेम सफरिंग फ्रॉम पीपल, वो रटते रहे, आज तक रट रहे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद।